हाय गाइस, सो आई हैव, अभी रुक जा, सबको आने तो पहले. हाँ मेरे पास है, चल तला को दे दे. हाय एवरीवन, सो व्हाट्स अप. आई हैव आई यू वेर बी ओ सॉरी शिट फीडबैक बहुत आ रहा है. की तरफ से सबको वेलकम करता हूं और आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. इतना आप लोग अपने ही जरा तालियां बजाते दाखिल कीजिए. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्टार्स का, सारे सुपरस्टार्स का. और बियॉन्ड की एक आविश हमेशा से ही रहती है कि अच्छा म्यूजिक आए और दे आर कमिंग अप विद ब्रांड न्यू सॉन्ग्स. हमेशा ही अच्छे गानों के साथ आते हैं, अर्बन म्यूजिक भी होता है. बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे जो है वो आए हैं इस रैकेट लेबल के साथ. तो एक्चुअल जो बात समझने वाली ये है कि म्यूजिक की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में कोई भी चैनल नहीं है यूट्यूब का, तो दिस इज द ओनली वन. तो बियॉन्ड के लिए तमाम भरपूर तालियां होनी चाहिए. साथ ही साथ आज इस ट्रैक के लिए हमारे साथ बड़े खास लोग भी, खास मेहमान भी हैं. अली भी हमारे साथ है. अली के लिए एक दफा तालियां हो जाए. रोमैसा भी है और रोमैसा के लिए भी तालियां प्लीज हो जाए. सबसे पहले अरबाज से. अरबाज, व्हाट इज योर टेक ऑन, कैसा एक्सपीरियंस रहा रिकॉर्ड करने का राहत साहब को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बियॉन्ड रिकॉर्ड्स, दे ऑफर्ड मी द ट्रैक एंड आई वाज लाइक ओके मैन, ये करना है गाना, राज साहब ऑन द वोकल्स, आई लव टू डू इट. सो मैंने वो गाना किया और मैसे इसमें थी अली था एंड आई वाज लाइक मैन दिस प्रोजेक्ट इज अ हिट ऑलरेडी इंशाल्लाह. सो दे डिड अ ग्रेट जॉब, आई डिड माय पार्ट, जिब्रान भाई डिड हिज पार्ट. आई होप एवरीथिंग गोस वेल. काफी लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी अली से बात भी नहीं होती थी. लाइक आई नेवर न्यू हिम, मतलब ऐसा सीन था कि मैं उसको जानती नहीं थी. इवेंचुअली लकीली बल्कि मुझे अली के साथ ही प्रोजेक्ट करने को मिला. इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अली इज लाइक नाउ माय गुड फ्रेंड एज वेल, और बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बन गई थी. एक ही थोड़े जब तक हम लोग प्लान कर रहे थे सॉन्ग का, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बन गई थी कि हमें सॉन्ग में लिटरली ज्यादा मसला हुआ नहीं, एंड बहुत ही स्मूथली वो शूट हो गया. बस अली अगर सोता ना रहता तो थोड़ी जल्दी शूट शुरू हो जाती. अच्छा अली, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस था बियॉन्ड रिकॉर्ड के साथ भी और रोमैसा के साथ भी, कैसा महसूस हुआ? बियॉन्ड के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एज वेल एज रोमैसा. तो आप सब जानते हैं रोमैसा इज द बेस्ट मंगोल. तो मुझे जब जिब्रान भाई ने कॉल की कि आओ अली, ही कॉल्ड मी कि आओ इस्लामाबाद, आओ कुछ बड़ा करते हैं. मैंने कहा क्या बड़ा करते हैं? जब मैं इनके साथ वॉक कर रहा था बारिश, उस समय कोरोना बहुत ना लेवल पे था, मुझे जिब्रान भाई कहते हैं कि राहत का सॉन्ग कर लो. मैंने कहा क्या राहत का सॉन्ग कर ले? अच्छा ठीक है. तो कहते हैं हाँ राहत का. मैं कहा ऑब्वियसली. कहते क्या कहते हो? मैं क्या कहते हो? ऑब्वियसली यस है यार, और क्या कहते हैं. उसके बाद फिर हम लोगों ने रोमैसा को अप्रोच किया, तो रोमैसा कहती है ऑब्वियसली हम करेंगे. तो इंशाल्लाह हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, अब देखते हैं फीडबैक हमें क्या मिलता है. और थैंक यू सो मच जिब्रान. जिब्रान भाई, इसकी क्या रीजन है कि आप पाकिस्तान में कोई चैनल भी नहीं है, आप सर्टेनली अपना चैनल भी रन कर रहे हैं, अपने पल्ले से बड़ा काम करते हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं. तो बेसिक सोच क्या है आपकी इस चैनल के पीछे या अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करने के पीछे, क्या सोच, बेसिक बात क्या है? बियॉन्ड रिकॉर्ड्स, सबसे पहले तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया. एंड बियॉन्ड रिकॉर्ड्स हमेशा से यंग ऑडियंस को प्रमोट करता है, डे वन से. इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 7-8 ईयर्स
कि जब से ये चैनल बना हुआ है हमारा और हमारे लेबल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड हिट हैं और उन लोगों को यहाँ से प्लेटफॉर्म दिया गया और उन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया। सो इसमें यह है कि म्यूजिक बिजनेस ऑलरेडी आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूजिक को उस तरह से सपोर्ट नहीं है। हम लोग समझ लें कि अकेले ही दौड़ रहे हैं अपनी रेस में एंड वी वोंट स्टॉप, वी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और इसमें यह है कि ये जबरदस्त हमारे पास एक्टर्स थे, हमने इनको यूटिलाइज किया एंड बाकी जब आप फर्स्ट प्रीव्यू देखते हैं तो आई होप कि सब लोग इसको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपने राहत साहब के साथ पहली दफा लिखा था इस पर काम किया, इस पर तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज लवली हैविंग हिम यू नो ऑन बोर्ड फॉर द ट्रैक, इट वाज लवली हैविंग हिम। या आई थिंक नो वर्ड्स बाकी प्रोडक्ट आप देखें सुने एंड देन। मुझे सब म्यूजिक पसंद है, चाहे वो भंगड़ा हो, पॉप हो, रॉक हो, अर्बन देसी हो। और हाँ एक चीज है, राहत साहब का इस साउंड में पहला गाना है जो हमने किया है। चले जी, आपके ख्याल से काउंट डाउन का भी टाइम जो है वो आने वाला है। हम थोड़ी सी गुफ्तगू को और बढ़ा लेते हैं। मैं अरबाज से, अरबाज के पास आना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लेता हूँ अरबाज से। अरबाज ये अगर आप आपके पास आती बेस हो जाती है ना, आप सारा बेस का काम करते। अच्छा अरबाज, राहत साहब का जब म्यूजिक कर रहे थे तो क्या सोचा था, क्योंकि आपने यंग आर्टिस्ट के साथ काम किया है हमेशा, अर्बन म्यूजिक बनाया है, हिप हॉप म्यूजिक बनाया है, तो इट्स बीन क्वाइट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था कि अच्छा यार उनको ये पसंद आए ना आए, सो उसमें क्या थॉट्स थे आपके? I've worked with legends, living legends like Ibrahim Haq Bhai, Naseeb Ulal Ji, Sahara UK, Bohemia. I've done music for them. And Raj Saab ke liye gaana karna, it was a dream. And jab Jibran Bhai ne ye project present kiya, to I think us waqt wo bhi khwab pura hota nazar aa raha tha aur ho gaya. Aur meri thought ye thi ke Raj Saab ek different genre mein kaam karte hain. मैं उनके लिए क्या स्पेशल कर सकता हूँ, व्हाट्स माय स्पेशलिटी, मैं क्या दे सकता हूँ उनको। सो आई गिव अ टोटल डिफरेंट साउंड टू हिम। आई होप जब आप सुनेंगे अभी जी, कितने रह गए जी, 45 सेकंड रह गए हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। ये साउंड आई थिंक फर्स्ट टाइम, जैसा जिब्रान भाई ने मेंशन किया, इट्स बीन गिवन टू राज साहब फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम ऑनर्ड एंड प्लेजर टू डू दिस फॉर हिम। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसान लफ्जों में सम अप करूं बात को, तो ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। अच्छा आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अली और आपकी केमिस्ट्री हमें कितनी ज्यादा अच्छी नजर आने वाली, थोड़ा सा ये मुझे बता दें, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा गाना, तो इसलिए थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। वैसे ऑफ सेट अगर मैं बात करूँ तो अली और मेरी हमेशा एक नोक झोंक टाइप का रहा है, जो कि जिब्रान को भी पता है, हमारे जो जितने भी सेट पे लोग थे सबको पता था कि हमेशा एक जो है ना नोक झोंक रहती थी, लेकिन ऑन काउंट डाउन पे आते हैं 6 5 4 3 2 1।
चलने तो दो पूरा गाना पूरा नहीं खत्म हुआ अभी रुक जाए अभी यार आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है इस गाने को शेयर भी करना है और स्टोरीज भी लगानी है बाकी हम लोग कर बाकी आप लोगों को सर्टेन अपना थैंक यू करना है अली तो यू में से दैट किधर है अच्छा पहले तो बियॉन्ड रिक्वेस्ट का थैंक यू सो मच गाइस फॉर बिलीविंग इन अस ऑब्वियसली बात है राज साहब इज अ लेजेंड ठीक है उनका सॉन्ग करना
कोई छोटी बात नहीं है और हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. और दूसरी बात, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग फॉर ओके. सबसे पहले तो मैं ऑफकोर्स बियॉन्ड रिकॉर्ड्स का थैंक यू करना चाहूंगी, राहत फतेह अली खान साहब का थैंक यू करना चाहूंगी, जिब्रान का थैंक यू करना चाहूंगी. बियॉन्ड रिकॉर्ड्स का कर दिया तो जिब्रान का भी कर दिया. जिब्रान की मेहनत है सारी. अली की बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी अली को, कि अली ने एक्चुअली मुझे सजेस्ट किया था, वरना मैं शायद इस गाने में ना होती. तो अली थैंक यू सो मच. वैसे मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू लाइक कि मैं जॉन के दर है हमारे स्टाइलिस्ट, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ. उन्होंने हमारी इतनी प्यारी जो आपने ड्रेसिंग देखी है वो उन्होंने की है. मैं सेफी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, वो यहाँ पर है नहीं, बट उन्होंने हमारा इतना अच्छा मेकअप किया, उनको थैंक यू. आपको सर थैंक यू, अरबाज साहब को थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल दीज पीपल सो मच. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. एंड मतलब इतना आप लोग का प्यार है कि आप लोग यहाँ पर आए, जबकि काफी ज्यादा लोग हैं जिनसे मेरी बात नहीं है, लेकिन आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू ऑल सो मच. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट. तलहा फोटोग्राफर, फोटोग्राफी जो हमारे की है कवर्स वगैरह वो सब तलहा ने किए, उनको भी बहुत ज्यादा थैंक यू. एक एक बंदे, हमने बहुत कम लोगों के साथ काम किया था क्योंकि कोविड था, तो हमने जो भी 5-6 लोग मैंने नाम बताया बस यही समझे थे, और हम लोगों ने मिलकर इसको करा. सो थैंक यू सो मच ऑल द टिकटॉकर्स सिटिंग ओवर हियर, यू गाइज आर सो टैलेंटेड एंड ऑल द बेस्ट. इसी तरह हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करूंगी, तो प्लीज टिकटॉक बना देना. अल्लाह हाफिज. आप लोगों ने गाना सुना, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. जिस जिसने अपना रोल प्ले किया बीच में, आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. इफ इट वाज मी जिसने म्यूजिक किया, इफ इट वाज जिब्रान भाई जिन्होंने वीडियो किया, इफ इट वाज रुमैसा एंड अली जिन्होंने एक्ट किया बीच में, आई थिंक एवरीवन प्लेड देयर रोल रियली गुड. अब आप सब पे है, आप पे और ऑडियंस पे, इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्यार दें. नया साउंड है, फ्रेश है, और सबसे मजे की बात और बड़ी बात यह है कि अपना गाना है, पाकिस्तान का गाना है. सो डू शो योर लव एंड सपोर्ट विद. थैंक यू सो मच. एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे लेबल पे सबसे बड़ा गाना जो है उसके 23 मिलियन व्यूज है, जो कि मुझे लगता है भी बहुत बड़ी बात नहीं है. तो आई रियली होप कि ये गाना उससे बड़ा बन जाए. 23 मिलियन क्रॉस करने गाइस, कम ऑन. 23 मिलियन, 23 मिलियन के टारगेट है, तो हमने 24 करना है.